Hello students, I welcome you all to lecture of ISCA. I hope you all are doing good. Last lecture में अपन ने cover किया था definition of BCP, areas of BCP, yes, objectives of BCP and goals of BCP. आज अपन एक नया topic शुरू करें जिसका नाम है developing a business continuity plan. Yes, developing a BCP. आज इस topic में दो key parts है. पहला key part है methodology and second key part है phases. Yes. दो की पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट क्या है? मेथोडोलॉजी एंड सेकंड है फेजेस. मेथोडोलॉजी ये बोल रहा है, अभी अपन फर्स्ट पार्ट को लेते हैं. सबसे पहले एनालाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं. यस, मेथोडोलॉजी क्या बोल रहा है सब बेसिकली, कि क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे जिससे आप एक अच्छा बीसीपी बना सके. और आई कैन से मेथोडोलॉजी ये भी बता रहा है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिन्हें ध्यान में रखते हुए बीसीपी बनना चाहिए. समझ लेना बात. यहां पे बोल रहा है कि जब भी आप बीसीपी बनाओ इन इन चीजों का जरूर ध्यान रखना. आई रिपीट, मेथोडोलॉजी ये बोल रहा है जब भी आप एक अच्छा बीसीपी बना रहे हैं तब ये जो मैं पॉइंट्स डिफाइन कर रहा हूं इनका जरूर ध्यान रखना. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. तो चलिए शुरू करते हैं समझना किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे एक बहुत अच्छा बीसीपी बन सके. सो कम ऑन पेज नंबर 4.15, डेवलपिंग अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, दैट इज पॉइंट 2.4. उसके अंदर आपको पॉइंट मिलेगा पॉइंट ए, दैट इज मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपिंग अ बीसीपी. क्या मिल रहा है सबको? मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपिंग अ बीसीपी. यस, चलो तो शुरू करते. सबसे पहला पॉइंट और बड़ा सिंपल पॉइंट. यस, आज अपन ने जब MIS पढ़ा था तो पढ़ा था मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड. याद करो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS पढ़ाया था, रिकॉल करना. और मैंने बताया था इट शुड बी व्हाट? मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड मैनेजमेंट डायरेक्टेड. मतलब अपन ने बोला था मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है तभी जाके एक अच्छा MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बन सकेगा. सेम वे में अगर आज मेरे को एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी बनाना है तो उसमें भी मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है. पार्टिसिपेशन प्रॉपर होने के लिए अपन को बताना रहेगा उन्हें कि यह प्लान बनाना क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे और जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने एफर्ट्स लगेंगे. अल्टीमेटली व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज, कि मैनेजमेंट को इस प्लान का इंपॉर्टेंस बताऊं, बताऊं उन्हें कि कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे और फाइनली उनसे उनका कमिटमेंट लूं कि हां अब आप लोग इस प्लान को बनाने में और एग्जीक्यूट करने में पूरा सपोर्ट करेंगे. तो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. बहुत सिंपल पॉइंट है. पॉइंट नंबर 1 लेते हैं. क्या लिखा है देखो, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. टू सर्कल द वर्ड मैनेजमेंट, सर्कल द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देंगे किस चीज की? ऑफ द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड मेंटेन एन इफेक्टिव रिकवरी प्लान. हाईलाइट करो, डेवलप एंड मेंटेन इफेक्टिव रिकवरी प्लान. कंफर्टेबल? चलो रीड कर लो एक बार फर्स्ट पॉइंट वापस से. अच्छा, उसमें एफर्ट्स रिक्वायर्ड मिलेंगे तो एफर्ट्स को भी सर्कल कर लेना. ये बहुत इजी पॉइंट है, समझ में आना चाहिए. हम मैनेजमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि कितने एफर्ट्स लगेंगे एक प्लान को डेवलप करके मेंटेन करने में और इंप्लीमेंट करने में. गेटिंग माय पॉइंट? एक बार मैंने उन्हें समझा दिया कि देखो ये आपको एफर्ट्स लगेंगे, करना जरूरी है. अब मैं उनसे क्या लूंगा? उनका कमिटमेंट लूंगा कि हाँ अब आप लोग करोगे क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो आप सबको भी बेनिफिट होगा. तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हो? ऑब्टेनिंग कमिटमेंट फ्रॉम एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट. जो भी मैनेजमेंट का अपन को कमिटमेंट चाहिए उनसे उनका कमिटमेंट ऑब्टेन करेंगे. तो फर्स्ट टू पॉइंट्स के वहां पे कर्ली ब्रैकेट कर देना क्योंकि दोनों पॉइंट क्या हो रहे? रिलेटेड हो रहे. चलो एक बार आप पहले दोनों पॉइंट पढ़ लो फिर आगे के पॉइंट लेते हैं. चलिए, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर? डिफाइनिंग रिकवरी रिक्वायरमेंट्स. जब आप बीसीपी बना रहे हो तो ये प्लान बेसिकली बन रहा है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए. लेकिन जब आप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो थोड़े की ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है तभी जाकर आपका बिजनेस आगे चल सकता है. जो चीज समझा रहा हूं समझना, बिना वो की एलिमेंट्स के कभी भी बिजनेस आगे नहीं चल सकता. तो मेथोडोलॉजी क्या बोल रहा है? एक बार डिफाइन कर दो, लिस्ट कर दो कौन कौन से आपके रिकवरी के रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है टू कंटिन्यू योर बिजनेस. अब देखो रिकवरी के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, फैसिलिटीज, डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क्स, कुछ भी हो सकता है. पॉइंट ये है कि सर बिजनेस के क्रिटिकल ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए जो भी रिकवरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनका होना जरूरी है. तो उन्हें एक बार आप यहां पे लिस्ट डाउन कर दो. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? डिफाइन रिकवरी रिक्वायरमेंट, सर्कल द वर्ड रिकवरी रिक्वायरमेंट्स
from the perspective of business functions. I hope you're getting my point. Excellent. तीनों point एक बार देख लो. Yes. एक बार आप ये define कर देते हो तो अब आते हैं आगे. देखो अभी तक डिजास्टर या इवेंट नहीं हुआ है, अपन प्लानिंग कर रहे हैं. तो अपन एडवांस में ये देख रहे हैं कि सपोज, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सपोज अगर डिजास्टर होता है और मेरे क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस इंटरप्ट होते हैं तो उसका इंपैक्ट मेरे पे क्या आएगा. मैं बोल रहा हूं समझ लेना, डिजास्टर नहीं हुआ है, अपन बोल रहे सपोज अगर हो जाता है और अपने बिजनेस के क्रिटिकल ऑपरेशंस इंटरप्ट होते हैं, हॉल्ट पे आ जाते हैं, तो क्या इंपैक्ट आएगा. क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि अगर अपन को लगता है इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तभी अपन अकॉर्डिंगली क्या लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे. क्या लेंगे? डिजास्टर प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मेजर्स लेने के बाद भी अगर डिजास्टर हो रहा है तो कोशिश करेंगे जो इमीडिएट इंपैक्ट है वो कम से कम हो और क्विकली क्या कर ले, रिकवर कर ले. बड़ा सिंपल कंसेप्ट है सर. अगर डिजास्टर हो भी गया तो अपन क्या करेंगे, उसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि इंपैक्ट कम हो और क्विकली रिकवर करेंगे. तो इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 4 एंड 5 के वहां भी आप क्या कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट करोगे क्योंकि वो दोनों लिंक हो रहे हैं. चलिए पढ़ते पॉइंट नंबर 4. डॉक्यूमेंटिंग द इंपैक्ट ऑफ एक्सटेंडेड लॉसेस टू ऑपरेशंस एंड की बिजनेस फंक्शंस. अपन एडवांस में देख रहे कि सपोज अगर कोई डैमेज होता है, कोई डिजास्टर होता है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक बार आपने ये चीज देख ली अब फोकस करो किस पे. सबसे पहले तो वो डिजास्टर हो ही नहीं, दैट इज डिजास्टर प्रिवेंशन, और फिर भी अगर हो जाता है तो उसका इंपैक्ट कम से कम हो एंड इंपैक्ट मिनिमाइजेशन, और इंपैक्ट कम होने के बाद हम क्विकली क्या कर ले, रिकवर कर ले, तो एज वेल एज ऑर्डरली रिकवरी. तो पॉइंट नंबर 4th और 5th भी क्या हुआ, रिलेटेड हुआ. तो 1 एंड 2 को रिलेट किया, 3 एक स्टैंड अलोन अलग पॉइंट हुआ, 4 एंड 5 को फिर से क्या किया, रिलेट किया. चलो आप एक बार पांचों के पांच पॉइंट पर लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स लेता हूं. चलिए आई होप आपको यहां तक सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं. अब अपन बोलते हैं एक अच्छा बीसीपी बनाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर टीम का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अ गुड टीम, बीसीपी टीम, और फाइनली वो टीम क्या करेगी, डिफरेंट बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स को डेवलप करेगी. यस, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, सेलेक्टिंग अ बिजनेस कंटिन्यूटी टीम फॉर प्लान डेवलपमेंट. हाईलाइट द वर्ड सेलेक्टिंग एंड सेलेक्टिंग व्हाट, बीसीपी टीम. एंड अब वो क्या करेगी, पॉइंट टीम प्लान को डेवलप करके इंप्लीमेंट करेगी. दैट्स योर पॉइंट नंबर 7, डेवलपिंग अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान दैट इज अंडरस्टैंडेबल, इजी टू यूज एंड मेंटेन. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डेवलप प्लान, और आगे हाईलाइट कर देना इजी टू यूज एंड मेंटेन. आई होप यू आर गेटिंग इन पॉइंट. पॉइंट नंबर 7 एंड 8, जो आपको 6 एंड 7 मिल रहा है उसको भी आप कर्ली ब्रैकेट में कर देंगे. क्यों? क्योंकि दोनों को अपन ने रिलेट किया है. एंड फाइनल पॉइंट सर, जब भी आप बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान बनाओ मेक श्योर कि आप उसे इंटीग्रेट करो कि कोई और भी बिजनेस प्लान अगर उसे अफेक्ट हो रहा है तो उसके साथ में. समझना, मेरा बीसीपी बोल रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फायर एग्जिट का प्रोविजन होना चाहिए फॉर सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पीपल. क्या बोल रहा हूं मैं, फायर एग्जिट का प्रोविजन होना चाहिए. मेरी एक न्यू बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जो मेरी नई बिल्डिंग बन रही है उसमें मैंने क्या किया, फायर एग्जिट का प्लान इनकॉर्पोरेट करवा दिया. तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने मेरे बीसीपी को इंटीग्रेट करवा दिया किसके साथ, बिल्डिंग प्लान के साथ. तो कंसेप्ट समझना, बीसीपी को जो भी प्लान के साथ इंटीग्रेट कराना है टू मेक श्योर कि बीसीपी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, वो प्लान के साथ क्या कराओ, इंटीग्रेट कराओ. तो दैट्स योर लास्ट पॉइंट, डिफाइनिंग हाउ बिजनेस कंटिन्यूटी considerations, considerations मतलब जो उसके पॉइंट्स है, मस्ट बी इंटीग्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कैसे अपन उसे इंटीग्रेट करेंगे, into ongoing business planning. Ongoing business planning किसी की भी हो सकती है सर, मैंने बिल्डिंग की ले ली, and system development process in order to make sure that plan remains viable over time. मतलब BCP चलता रहे, effectively implement हो सके, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके considerations को, उसके points को जो affect कर रहा है दूसरे plans को, उसके साथ में integrate कर रहा हूं. तो इसके साथ पूरी मेथडोलॉजी कंप्लीट हो रही है. देखो क्विकली रिवाइज कर लेते, अपन ने कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दी लोगों को कि कितने एफर्ट्स लगेंगे, फिर उनका कमिटमेंट लिया, फिर अपन ने अपनी रिकवरी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करी, फिर अपन ने देखा क्या एडवांस में देखा, डॉक्यूमेंट करे क्या इंपैक्ट आ सकता है अगर अपने क्रिटिकल बिजनेस इंटरप्शंस डिसरप्ट हो रहे, फिर अपन देख रहे अगर इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तो कोशिश ये रहेगी कि डिजास्टर को प्रिवेंट करे, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे तो इंपैक्ट को मिनिमाइज करे एंड क्विकली रिकवर करे. लेकिन ये सब करने
करने के लिए सर अपने पास में एक अच्छी टीम का होना जरूरी है और वो टीम को अपन सेलेक्ट करेंगे, वो टीम फिर डेवलप करेगी प्लांट्स को। कौन से प्लांट्स को? बीसीपी को, जो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, मेंटेनेबल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ऐसे प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एंड फाइनली ये प्लांट्स को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा किसके साथ, दूसरे बिजनेस के प्लांट्स के साथ। क्यों? ताकि मेरा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सके। आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर। और इसके साथ पूरा मेथोडोलॉजी कंप्लीट करें, एक बार आप सब इसे अच्छे से रीड कर लीजिए एंड मेक श्योर कोई डिफिकल्टी आप फेस ना करें। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए आई होप आप सब कंफर्टेबल हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज फेजेस ऑफ बीसीपी। क्या आ रहा है? फेजेस ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। अब देखो बेसिकली ये क्या है, मेथडोलॉजी उसके अंदर अपन पढ़ लेते हैं एक बार कैसे लिखा हुआ है। मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी, एवरीवन कम ऑन पेज 4.15 पॉइंट नंबर बी, जिसमें दिया हुआ है डिफरेंट फेजेस ऑफ मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग अ बीसीपी, जिसमें लिखा हुआ है मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट 8 फेजेस। सर ये जो मेथडोलॉजी अभी अपन ने पढ़ी है, समझिए कि कैसे एक बीसीपी को बनाना चाहिए, इसे अपन प्रॉपरली सिस्टमैटिकली सब डिवाइड करें 8 फेजेस में, जिसके थ्रू अपन ये बोल रहे हैं कि अगर ये 8 फेज आपने कर लिए तो आपका एक अच्छा बीसीपी तैयार हो गया है। जो चीज मैं बोल रहा हूं वो समझना, तो वापस से रीड कर रहा हूं, मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी। अभी अपन ने मेथड्स पढ़ लिए कि सर ये मेथड फॉलो होने चाहिए, अब उन्हें अपन प्रॉपरली और सब डिवाइड करें किसमें, फेजेस में। तो एक चीज समझ लेना, जब मैं ये फेजेस पढ़ूंगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट मेथडोलॉजी तो कवर होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि वो मेथडोलॉजी को ही ध्यान में रखते हुए क्या बनाए गए हैं, फेजेस बनाए गए हैं। रिपीट करना, मेथडोलॉजी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए गए हैं, फेजेस बनाए गए। अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आएगा, आई थिंक दे कैन आस्क यू मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी, तो डायरेक्टली आपको लिख देना है मेथडोलॉजी, और दे कैन आस्क यू मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी कैन बी डिवाइडेड इनटू सब डिवाइडेड इनटू 8 फेजेस, एक्सप्लेन दोज फेजेस और एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेथडोलॉजी। तो समझना, अगर एक लाइन में आपको फेजेस और मेथडोलॉजी दोनों पूछ रहे हैं तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू इज फेजेस एंड नॉट मेथडोलॉजी। या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट इट्स फेजेस, तो आपको क्या करना है, मेथडोलॉजी भी लिखना है एंड फेजेस भी लिखना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इंस्टीट्यूट ट्रिक करने की कोशिश करेगी, व्हाट दे विल डू इज ए, दे कैन आस्क यू मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी, डायरेक्ट आंसर मेथडोलॉजी। बी, राइट डाउन द फेजेस ऑफ मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग बीसीपी, तो आपको लिखना है फेजेस, और दे कैन आस्क यू राइट डाउन मेथडोलॉजी एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स फेजेस, तो आपको दोनों लिखना है मेथडोलॉजी एंड फेजेस। कंसेप्ट समझना, क्लियर हो जाएगा। मेथडोलॉजी सबसे पहले आई, उसे ध्यान में रखते हुए क्या बनाए गए हैं, फेजेस बनाए गए हैं। कंसेप्चुअली क्लियर हो रहे हो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ले लेना। तो देखो फेजेस, ये फेजेस बोलते ये वो स्टेप्स है कि जिन्हें आपने अगर परफॉर्म कर लिया तो आपका एक अच्छा बीसीपी बनके तैयार हो जाएगा। और टोटल इनने 8 फेजेस दिए। कितने फेजेस दिए? 8। फर्स्ट फेज अगर आप देखेंगे तो दैट इज प्री प्लानिंग एक्टिविटी। क्या है पहला फेज? प्री प्लानिंग एक्टिविटीज। सेकेंड फेज अगर आप देखेंगे तो वो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल रिक्वायरमेंट एनालिसिस। थर्ड फेज अगर आप देखेंगे तो वो है बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। फोर्थ फेज अगर आप देखते हैं तो वो है डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ फेज अगर आप देखते हैं तो वो है प्लान डेवलपमेंट। सिक्स्थ फेज अगर आप देखते हैं तो वो है टेस्टिंग। सेवेंथ है मेंटेनेंस एंड एट्थ है अगेन इनिशियल प्लान टेस्टिंग एंड प्लान इंप्लीमेंटेशन। टोटल 8 फेजेस दिए हुए हैं। आर यू विथ मी? टोटल कितने फेजेस दिए हुए? 8 फेजेस दिए हुए हैं। हर फेज का अपन मीनिंग समझेंगे, कैसे पढ़ना है, लर्न करना है वो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेट पॉइंट समझ में आने चाहिए। तो एक बार सब मेरे साथ रिपीट कर लेना, पहला फेज कौन सा है? प्री प्लानिंग एक्टिविटीज, सबको पता चल रहा है। सेकेंड फेज है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी के वहां पे लिख देना वीकनेस, कि आप कहां पे वीक हो उसे हम असेस कर रहे हैं। जनरल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। थर्ड पॉइंट है बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट है डिटेल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है प्लान डेवलपमेंट। सिक्स्थ पॉइंट है टेस्टिंग द प्लान। सेवेंथ पॉइंट है मेंटेनिंग द प्लान एंड एट्थ पॉइंट है इनिशियल प्लान टेस्टिंग। आर यू विथ मी? अब चीज समझो, इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, दो तरीके।
या तो पूरा के पूरे पूछ लेंगे, राइट डाउन द 8 फेजेस। अगर ये पूछ लेते हैं तो सबसे पहले 8 के 8 फेज आपको लिखने हैं और सबको एक्सप्लेन करते हुए एटलीस्ट यू शुड राइट 2 to 3 लाइंस। कितनी लाइंस लिखोगे? 2 से 3 लाइन हर फेज से रिलेटेड आपको लिख के आना है। ये पहला क्वेश्चन बनेगा, 6 मार्क का, समझ में आना चाहिए, कंफर्टेबल। दूसरा ऑप्शन ये है, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं फेज 2 एंड फेज 3 पे। फेज 2 कौन सा है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, एंड फेज 3 कौन सा है? बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसे भी आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर। यस, दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो क्या बनेगा, डायरेक्टली पूरे के पूरे फेजेस पूछ सकते हैं, पूरे फेजेस पूछ सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स लिखने कि 8 के 8 फेज का नाम एंड 2 से 3 लाइन हर फेज को एक्सप्लेन करते हुए, या फिर BIA एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दैट इज फेज 2 एंड फेज 3 पे एक 6 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्सीलेंट, तो अब अपन पढ़ना शुरू करेंगे, हर फेज को समझना शुरू करेंगे। फर्स्ट फेज आ रहा है प्री प्लानिंग एक्टिविटीज। मिल रहा है सबको? आई एम ऑन पेज नंबर 4.15। पॉइंट नंबर 1, प्री प्लानिंग एक्टिविटीज। यस, आप सबने सुना है सर, प्री प्लानिंग एक्टिविटीज मतलब प्लान बनाने के पहले की जो जो एक्टिविटीज होनी चाहिए उसे अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आप बताइए, आपको अगर एक BCP बनाना है तो किन किन चीजों को कंसिडर करोगे? यस, इट्स वेरी सिंपल सर। हम एक काम करेंगे, जिस भी इंडस्ट्री का BCP बनाने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री की करंट वर्किंग को समझेंगे कि वो इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ कैसे वर्क कर रही है, प्लस उसकी प्रोजेक्टेड वर्किंग को भी समझेंगे हम कि वो आगे जाके कैसे वर्क कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वर्किंग को ही समझ के हम आगे डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हमें इस बिजनेस को आगे भी कंटिन्यू करना रहेगा। वो किस पे कितनी डिपेंडेंट है ये हमें जानने की बहुत कोशिश है। से फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे जस्ट डायल है या बुक माई शो है, अगर आप सबने सुना होगा, वो एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेविली डिपेंडेंट है किस पे? टेक्नोलॉजी पे। मतलब कोई भी रीजन से अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता है तो उनकी फंक्शनिंग हॉल्ट पे आ जाएगी। तो फंडा समझ रहे हो कि मेरे को बिजनेस को क्यों समझना है? ये जानने के लिए कि वो किस पे हेविली डिपेंडेंट है। और बीसीपी यही बोलता है कि जिस चीज पे आपकी कोर एक्टिविटीज डिपेंडेंट है वो चीजों का होना बहुत जरूरी है। और वो अभी मैंने आपको मेथोडोलॉजी में भी बताया था, किसमें? रिकवरी रिक्वायरमेंट्स में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, रिकवरी रिक्वायरमेंट्स को जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि आप आज कैसे वर्क कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो मैंने बताया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस को समझने के बाद मैं ये भी देखने की कोशिश करता हूं कि कितने टाइम में मैं इनका BCP बना के तैयार कर दूंगा। मैं ये भी देखता हूं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे ये डिसाइड करने में कि मेरा BCP सक्सेसफुली डेवलप हो पाएगा या नहीं। अब आप ही बताइए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। बड़े सिंपल है सर, आप बोलोगे सर कि जो मैनेजर्स हैं उनसे अपन को सपोर्ट मिल रहा है, यानी एक फैक्टर है। जो आप प्लान बना रहे हो उसे प्रॉपरली टेस्ट और मेंटेन कर रहे हो, नहीं, ये दूसरा फैक्टर है। एक्सेलेंट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आप जो चीज कर रहे हो वो सक्सेसफुली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आर यू कंसेप्चुअली क्लियर? तो ये भी चीज अपन कहां करेंगे? प्री प्लानिंग एक्टिविटीज में करेंगे। एंड फाइनली इस जो फेज है इसमें अपन एक कमिटी बनाते हैं, एक कमिटी को बोलते हैं, दैट इज स्टीयरिंग कमिटी। मैंने बताया था एक बहुत हाई लेवल कमिटी होती है जो अल्टीमेटली सारी IT से रिलेटेड चीजों को देखती है। ये स्टीयरिंग कमिटी क्या करेगी सर? ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसके लिए? ये जो प्लान बन रहा है और उसके एग्जीक्यूशन के लिए। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सो अपन एक स्टीयरिंग कमिटी को एस्टैब्लिश किया जो ओवरऑल देखेगी डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लान। सो बेसिकली जो कंसेप्ट समझाया, समझ लेना ये आपका क्या हुआ, प्री प्लानिंग एक्टिविटी। बहुत एलिमेंट्री एक्टिविटीज है, सिंपल एक्टिविटीज है, इनिशियल फेज की एक्टिविटीज है। अब अपन रीड करेंगे और हर कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। सब आ जाएंगे मेरे साथ पेज 4.15 पे। फर्स्ट पॉइंट आपको नीचे मिलेगा, प्री प्लानिंग एक्टिविटी। उसमें क्या लिखा है? ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश करें किसे सर? एग्जिस्टेड एंड प्रोजेक्टेड, एग्जिस्टिंग एंड प्रोजेक्टेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट। हाईलाइट करना एग्जिस्टिंग एंड प्रोजेक्टेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच अनेबल्स द प्रोजेक्ट टीम टू। सर ये एनवायरमेंट को क्यों समझ रहे? ताकि अपन डिफाइन कर सके, रिफाइन कर सके क्या स्कोप ऑफ BCP के बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को बनाने में हमारे को कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल के कितने टाइम में हम हमारा BCP बना के तैयार करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इशूज, हमारे को ये देखना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनका इम्पैक्ट आएगा हमारे
successful implementation of Plan Pay, that is identification and addressing issues having impact on delivery and success of the project. I hope you all are conceptually clear. First point apne pura cover kiya hai. Second point kya bol raha hai, establishing steering committee for providing direction and guidance. Maine aapko bataya tha sir, yahan pe kya banegi, ek high level committee banegi jiska naam hoga steering committee, jo overall dekhegi ki kaise aapka plan ban raha hai, implement ho raha hai, time mein ho raha hai, kitne cost mein ho raha hai, har ek cheez ko monitor karegi aur observe karegi. Comfortable? Good. Last point kya bol raha hai, two other key deliverables of this phase are a policy to support the recovery program. Policy bana rahe hain jisse apan recovery program ko acche se implement kar sake, and doing education and awareness program for the managers participating in business BCP. Jo bhi different managers hain unke liye apan kya kare, awareness programs bana rahe hain wo, taki use dekh sake ki kaise unhe BCP mein participate kar darayega. Maine dekho upar bhi padhaya tha, jab methodology padhai thi to apan ne padha tha ki jo managers hain unka commitment lena zaruri hai, unhe understanding provide karni zaruri hai. To wohi cheez main batane ki koshish kar raha hu ki methodology ko dhyan mein rakhte hue kya bane hain, phases bane hue hain. I hope you all are conceptually clear. Ek bar acche se pre planning activity padh lo, koi doubt rehna nahi chahiye. Bahut easy point se, char point mein apan ne 3 point mein divide kiya है, सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा. चलो फटाफट एक बार अच्छे से रीड कर लो. चलिए, आई होप आप सब कंफर्टेबल हैं अभी जो पढ़ाया मैंने उसके साथ में. अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आ रहा है जिसका नाम है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट. समझते क्या मीनिंग है. सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं, दैट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. शुरू करते हैं. बेसिकली समझो वल्नरेबिलिटी का मतलब लिख दो ऊपर वीकनेस. वल्नरेबिलिटी का क्या मीनिंग है, वीकनेस. ओके, अब ये क्यों असेस करने की जरूरत है, एक चीज समझो. बीसीपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस कंटिन्यूड रहना चाहिए कभी भी रिस्क होती है तब. सो बेसिकली रिस्क अकर कब होगी, जब आपका सिस्टम क्या है, वीक है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं, कोई भी मेरे सिस्टम में अनऑथोराइज वे में एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल घर का एग्जाम्पल ले लो. आपके घर में कोई भी कब घुस सकता है, जब आपके डोर्स पे लॉक नहीं है. फंडा समझना, कोई अंदर घुस रहा है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अ थीफ इज एंटरिंग योर हाउस. अगर वो चोर घुस रहा है तो वो क्यों घुस पा रहा है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपने लॉक नहीं लगाया है. चोर क्या हुआ, एक थ्रेट हुई आपके लिए. आर यू गेटिंग मी पॉइंट. घर के अंदर घुस रहा है क्योंकि लॉक नहीं लगाया, तो ये लॉक का नहीं लगाना आपकी क्या हुई, वीकनेस. तो समझना, कोई भी रिस्क कब होती है, जब आपने कंट्रोल्स नहीं लगाए हो तब. और कंट्रोल्स आपने नहीं लगाए मतलब आप क्या रह गए, वीक रह गए. तो सिमिलरली बिजनेस में भी कोई भी थ्रेट कब अकर होती है, जब आपने कंट्रोल्स नहीं लगाए हैं तब. तो अपन को यहां पे देखना है कि अगर अपन ने कंट्रोल्स नहीं लगाए तो कहां का कंट्रोल्स नहीं लगाए, और अपन कितने वीक है, ताकि अकॉर्डिंगली अपन मेजर्स ले सके और कंट्रोल्स लगा के खुद को स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट बना सके. कंसेप्ट समझ रहे हो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का. वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर वीकनेस एंड मेक श्योर दैट वी रिड्यूस द वीकनेस टू द लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. जितना हो सके अपन अपनी वीकनेस को खत्म करना चाहते हैं. कैसे खत्म करेंगे, कंट्रोल्स लगा लगा के. तो चलो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डेफिनेशन रिक्वायरमेंट्स का. इंट्रोडक्टरी पॉइंट ये बोलता है, दिस फेज एड्रेसेस द मेजर्स टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजास्टर. हाईलाइट करो, रिड्यूस करना चाहते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजास्टर. जो चांसेस है डिजास्टर होने के, उसे हम कम करना चाहते हैं, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग प्राइमरली ऑन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअल डिजास्टर. मतलब हम पहले से मिनिमाइज कर रहे हैं कोशिश होने के डिजास्टर की, रादर देन होने के बाद उसके इम्पैक्ट को कम करने की. इन अदर वर्ड्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ये क्या बोल रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अब की पॉइंट जो एग्जाम में पूछेंगे, वो पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड जनरल डेफिनेशन रिक्वायरमेंट्स. तो अपन ने ऊपर की लाइन लिख दी. एंड सेकंड पॉइंट पूछेंगे, व्हाट आर द टास्क विच यू विल परफॉर्म इन दिस फेज. तो देखो, आपको 7 टास्क मिलेगी, मिल रही है 7 टास्क. इनमें से एटलीस्ट 6 तो अपन को लर्न होनी चाहिए. अब कैसे लर्न करना है वो समझ लो. वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस. सर, वीकनेस को असेस तभी कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी कितनी लगी हुई है. तो सबसे पहले जिसका असेसमेंट होगा वो है सिक्योरिटी असेसमेंट. अगर सिक्योरिटी बहुत कम है मतलब हमारी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, अगर सिक्योरिटी ज्यादा है मतलब वल्नरेबिलिटी कम है. जो चीज बोल रहा हूं समझना. तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ थरो सिक्योरिटी असेसमेंट. थरो क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी असेसमेंट होना चाहिए. किसका, कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन एनवायरमेंट का. किसका होना चाहिए,
कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट का, इंक्लूडिंग फिजिकल सिक्योरिटी, बैकअप एंड कंटिजेंसी प्लानिंग, डेटाबेस सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, मतलब ये सारे कंट्रोल्स अपन पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 में। हर चीज की प्रॉपर असेसमेंट होगा कि जो डिफाइंड लेवल ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए वो है या नहीं है। आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर। चलो फर्स्ट पॉइंट एक बार फटाफट पढ़ लो। चलिए, आई होप आप सब कंफर्टेबल हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। ऊपर एक बार आपने सिक्योरिटी असेसमेंट कर लिया, जिसमें आपने देखे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स है वो कैसे लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे आप अब जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं अगर वो इनएडिक्वेट है, दैट इज कम है, तो उन्हें आप इंप्रूव करोगे। कंट्रोल्स के लेवल को आप क्या करोगे, कंट्रोल्स के लेवल को इंप्रूव करोगे। और अगर नहीं लगे हुए हैं कंट्रोल्स, तो वहां पर जाके कंट्रोल्स को लगाओगे। जो चीज मैं बोल रहा हूं समझ लेना। ऊपर देखा, कंट्रोल्स का असेसमेंट किया कि कंट्रोल्स है या नहीं। अब नीचे क्या बोल रहे हैं, अगर नहीं है तो लगाओ, लगे हुए हैं एडिक्वेट नहीं हो तो उनकी एडिक्वेसी लेवल को इंप्रूव करो। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी असेसमेंट इंप्रूव एनी एग्जिस्टिंग एंड इंप्लीमेंट वेयर नन एग्जिस्ट। ध्यान से पढ़ना, इंप्रूव करो किसे, एग्जिस्टिंग को, एंड इंप्लीमेंट करो जहां पे कंट्रोल्स ऑलरेडी नहीं है। कौन से, डिजास्टर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड इमरजेंसी प्लान। डिजास्टर प्रिवेंटिव मेजर्स के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। क्या लिख दोगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगाओ अगर नहीं लगे हुए तो, और इमरजेंसी प्लान्स को भी इंप्रूव करो। आई होप ये करेंगे पॉइंट। जैसे ही आप ये चीज कर लेते हो, इसकी एक रिपोर्ट बनाओ, और रिपोर्ट किसे दोगे, मैंने बताया था कौन सी कमिटी हर चीज देखती है, स्टीयरिंग कमिटी। तो ये रिपोर्ट किसे दी जाएगी, स्टीयरिंग कमिटी को। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी असेसमेंट टू द स्टीयरिंग कमिटी सो दैट करेक्टिव एक्शंस कैन बी इनिशिएटेड। सर जो कमिटी बना रहे हैं, जिसका नाम है स्टीयरिंग कमिटी, उसे अपन ये रिपोर्ट बना के देंगे ताकि जो नेसेसरी एक्शन है वो अपन इनिशिएट करके ले सके। आई होप यू ऑल आर गेटिंग अ पॉइंट। बहुत सिंपल हो गया, तीन पॉइंट तो हमें लर्न हो गए। अब और क्या करेंगे इस फेज में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। सर ये जो टास्क है, ये जो टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स उसमें लगे हुए हैं, उन्हें एक बार अच्छे से ट्रेन कर दो, उन्हें उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या करो, समझा दो। तो देखो लास्ट पॉइंट मिलेगा, असेंबल द प्रोजेक्ट टीम एंड कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस। क्या कर रहे हैं, असेंबल प्रोजेक्ट टीम एंड कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस। सातवां पॉइंट भी याद हो गया। अब इसके साथ दो बड़े सिंपल पॉइंट्स भी होंगे, डिफाइन द स्कोप ऑफ प्लानिंग एफर्ट। जितने कंट्रोल्स वीक है उतना आपका रोबस्ट स्ट्रॉन्ग बीसीपी होना चाहिए। तो आप कंट्रोल्स के असेसमेंट के हिसाब से ये डिसाइड करें कि बीसीपी में हमारे को कौन कौन सी चीजों को एक्सटेंसिवली कवर करना रहेगा। सो वी हैव डिफाइंड व्हाट स्कोप ऑफ प्लान एंड अकॉर्डिंगली प्लान का क्या हो रहा है, एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है कि आगे हम कैसे ये प्लान को लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट टू पॉइंट्स हो गए, दैट इज पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, दैट इज डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ प्लान एंड प्लान फ्रेमवर्क। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने पूरा आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट समझा दिया है। अब जनरल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट है, और वो क्या बोल रहा है, एनालाइज रिकमेंड एंड परचेज रिकवरी प्लानिंग एंड मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान्स। अब एक चीज समझ लेना, बेसिकली आपके टोटल 7 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 7 फेज होते हैं, बट आपकी इंस्टीट्यूट ने आपको 8 फेजेस दिए। देखो जो चीज बोला वो समझ लेना, टोटल होते 7 फेजेस, बट आपकी इंस्टीट्यूट ने कितने दिए, 8 फेजेस, तो अपन उसके हिसाब से पढ़ रहे। अब सेकंड पॉइंट जो फेजेस का वो होता है हमेशा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जनरल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, बट इंस्टीट्यूट ने क्या दे दिया आपको, जनरल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, तो अपन को पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जो पॉइंट नंबर 4 है जहां पे लिखा है डिटेल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, वो सिर्फ क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जनरल और डिटेल सारा डेफिनेशन एक ही साथ होता है। और कहां होता है, पॉइंट नंबर 4 में होता है, फेज 4 में होता है, बट आपके इंस्टीट्यूट ने दो पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। चीज समझ लेना, बट एज सच वो चीज होती नहीं है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो होता नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देर आर 7 फेजेस, कितने फेजेस है, 7 फेजेस है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। और जो चीज मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझ लेना, कितने फेजेस है, 7 फेज है, एंड फेज 2 इज ओनली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। फेज 2 क्या है, सिर्फ
वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, और फेज फोर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है। डिटेल्ड नहीं या जनरल नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट क्योंकि आपकी मॉड्यूल बोलती है कि नहीं ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तो अपन ऐसे पढ़ रहे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो आप लाइन एक बार पढ़ लेना जिसमें बोला गया है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स को अपन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्सेलेंट। तो एक बार पूरा अच्छे से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पढ़ लो, फिर अपन आगे चलते हैं। यस, चलो। चलिए, आई होप इतना आप सबको समझ में आ रहा है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। मीनिंग समझना है सर, कोई भी अगर डिजास्टर होता है, उसके होने से अगर क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब होते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन पे, वो कौन देख रहा है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। तो एक चीज समझ लेना, बीआईए का एक ही चीज पे फोकस है, अगर की एसेट्स या की बिजनेस प्रोसेसेस कोई भी रीजन से अवेलेबल नहीं है, क्या रीजन है वो अपन को नहीं जानना है, बस ये जानना है कि अगर मेरे की एसेट्स बिजनेस प्रोसेसेस अवेलेबल नहीं है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, वो बीआईए बोल रहा है। ध्यान से समझ लेना, बीआईए थ्रेट्स की बात नहीं कर रहा है, कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स की वजह से मेरा बिजनेस अवेलेबल नहीं होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे, कि कोई भी रीजन से अगर मेरे एसेट्स या क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस अवेलेबल नहीं है तो मेरे पे क्या इंपैक्ट आएगा, या मैं कितने टाइम तक बिना मेरे क्रिटिकल एसेट्स के सर्वाइव कर सकता हूं। जो चीजें बोल रहा हूं ध्यान से समझ लेना, फोकस किस पे, कि कितने टाइम में मेरे क्रिटिकल एसेट्स के बिना सर्वाइव कर सकता हूं और उसके बाद मेरे पे क्या इंपैक्ट आएगा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। बहुत इजी है, अगर मेरा क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस एक्स वाई जेड है, कोई भी एसेट है, ये समझ लो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस सर्वर है, अगर मेरा डेटाबेस सर्वर अवेलेबल नहीं होता है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो बीआईए बोल रहा है। क्यों अवेलेबल नहीं है डेटाबेस सर्वर, उससे बीआईए में मतलब नहीं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, से फॉर एग्जांपल पावर फेलियर या एक्स वाई जेड एनीथिंग, हार्डवेयर फेलियर, कुछ भी हो सकता है, बट उससे मतलब नहीं है। यहां पे तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर डेटाबेस सर्वर अवेलेबल नहीं है मेरे ऑपरेशंस रुक जाएंगे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में सफर लॉस, क्योंकि रियल टाइम पे जो मेरे कस्टमर्स है जिन्हें डेटा प्रोवाइड करना है उन्हें मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो फंडा समझ लेना, इजी रहेगा। बीआईए फोकसेस ओनली ऑन एसेट्स एंड क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस एंड नॉट ऑन थ्रेट्स। सेकेंडली, इट ट्राइज टू जज के व्हाट विल बी द इंपैक्ट इफ दीज एसेट्स आर नॉट अवेलेबल एंड कितने टाइम तक बिना हम ये एसेट्स के सर्वाइव कर सकते। एक्सीलेंट, पढ़ना शुरू करते हैं। बीआईए अनेबल्स द प्रोजेक्ट टीम्स टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल सिस्टम्स प्रोसेसेस एंड फंक्शंस। किस में हेल्प करेगा, टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल सिस्टम्स प्रोसेसेस एंड फंक्शंस, हाईलाइट करना क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। Assess the impact of incidents and disasters that result in denial of access to the system. Sir, क्या impact आएगा incident या disaster के होने से जिससे ये systems available नहीं होंगे, मतलब अगर ये system available नहीं होते तो क्या impact आएगा, ये चीज बोल रहे हैं। And last point, pain threshold, that is कितने time बिना हम इन assets के survive कर सकेंगे, that is pain threshold, that is the length of time business can survive without access to these systems। बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझाए, याद कर लेना, इजी रहेगा। अब समझो, बीआईए मतलब एनालिसिस हो रही है, जब भी कोई एनालिसिस होगी उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, तो यहां भी क्या बन रही है, बीआईए रिपोर्ट बन रही है, और किसे प्रेजेंट की जाएगी, स्टीयरिंग कमिटी को प्रेजेंट की जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द बीआईए रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड टू स्टीयरिंग कमिटी। दिस रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द क्रिटिकल सर्विस फंक्शंस एंड टाइम फ्रेम्स विद इन व्हिच दे मस्ट बी रिकवर्ड। हां या ना, ये रिपोर्ट क्या बताएगी कि अपने एसेट्स कौन कौन से क्रिटिकल सिस्टम से, फंक्शन से, और कितने टाइम में रिकवर होना जरूरी है, नहीं तो अपन सीवियर लॉसेस फेस कर लेंगे। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द बीआईए रिपोर्ट शुड बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट क्रिटिकल सर्विसेज। वेरी सिंपल सर, मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया कि एक्स वाई जेड मेरी क्रिटिकल सर्विस है, से फॉर एग्जांपल मेरी क्रिटिकल सर्विस इज टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, तो उनकी क्रिटिकल बहुत सारी सर्विसेज होती है, से फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड यू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या प्रोवाइड करते, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो जो उनको चीजें चाहिए, जो जो एलिमेंट्स चाहिए, वो आइडेंटिफाई वो बीआईए के थ्रू ही
कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि BIA बताता है आपकी कौन सी क्रिटिकल सर्विस है, और हर सर्विस को परफॉर्म करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए थोड़े कंपोनेंट्स का होना जरूरी है. तो वो जो कंपोनेंट्स अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकवरी रिक्वायरमेंट जो अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस. तो देखो वही लिखा है, द BIA रिपोर्ट, आई एम ऑन लास्ट पॉइंट ऑफ BIA, द BIA रिपोर्ट शुड देन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. हाईलाइट करना, अपन इसे बेसिस ले रहे किसके लिए? फॉर आइडेंटिफाइंग सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट क्रिटिकल सर्विसेज. सपोर्ट किसे करना चाहते हैं? क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अदर सर्विस एंड फैसिलिटीज. आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर. इसके साथ पूरा BIA खत्म किया. लास्ट पॉइंट का BIA का मतलब वापस से समझा देता हूं, समझ लेना कि सर BIA के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करेंगे अपने लिए कौन सी क्रिटिकल सर्विस है, और वो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का होना जरूरी है, उन्हें अपन यहां पे क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे. आई होप यू गेटिंग मी पॉइंट. चलो एक बार BIA पढ़ो और कंप्लीट करो. दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा दिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड BIA. अब तो सब अपन को फटाफट रीड करते जाने, एग्जाम में उनपे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. शुरू करिए. चलिए, आई होप आप सब कंफर्टेबल हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और यू कैन से डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स. सर, जो हमने BIA में क्रिटिकल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किए, क्रिटिकल सर्विसेज आइडेंटिफाई की, क्रिटिकल प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए, इन सब को कंटिन्यूड रखने के लिए जो भी रिकवरी कॉम्पोनेंट्स है उन्हें हम यहाँ डिटेल में डिफाइन करेंगे. रिकवरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो गया? जो भी हार्डवेयर चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, जो भी नेटवर्क चाहिए, जो भी पीपल चाहिए, जिनकी भी जरूरत है, जिनके मैं मेरे क्रिटिकल ऑपरेशंस को कंटिन्यूड रखूंगा, उन्हें यहां पे मैं आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली डिफाइन कर दूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 4, डिटेल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट. ड्यूरिंग दिस फेज अ प्रोफाइल ऑफ, सर्कल द वर्ड प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ व्हाट? रिकवरी रिक्वायरमेंट्स इज डेवलप्ड बाय आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज. हाईलाइट करो, डेवलप्ड बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट क्रिटिकल फंक्शंस. रिक्वायर टू सपोर्ट व्हाट? क्रिटिकल फंक्शंस आइडेंटिफाइड इन BIA. आई होप यू क्लियर. सेकंड पॉइंट, दिस प्रोफाइल कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव रिकवरी स्ट्रैटेजी. समझो, अगर मैं डाउन टाइम टॉलरेट नहीं कर सकता हूं और मुझे मेरी रिक्वायरमेंट सारी चाहिए, तो मैं एक हॉट साइट ले जाऊंगा और वहां पे देखूंगा कि जो जो मुझे मेरी रिकवरी के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो उस हॉट साइट पे अवेलेबल है. यानी देखो, अब हॉट साइट होती क्या है वो सारी चीजें समझा दिए. यस, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप एक बार व्यू कर लेना अगर याद नहीं आ रहा हो तो. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. चलो आगे, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन. नेक्स्ट पेज पे आप 4.17 पे आएंगे तो आपको मिलेगा, द प्रोफाइल इंक्लूड्स व्हाट? सिंपल है सर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, आउटसाइड सपोर्ट, फैसिलिटीज, पर्सनल, सब पढ़ लेना. बहुत इजी पॉइंट्स है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. एक बार मैंने मेरे रिकवरी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर दिए. एक बार क्या डिफाइन कर दिए? रिकवरी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर दिए. अब उसके बेसिस पे डिफरेंट प्लान्स बनेंगे कि कैसे मैं मेरे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता हूं. तो दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट, प्लान डेवलपमेंट. इन दिस फेज रिकवरी प्लान कंपोनेंट्स आर डिफाइंड एंड प्लान्स आर डॉक्यूमेंटेड. दिस फेज इंक्लूड्स व्हाट? इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस टू द यूजर प्रोसीजर्स. देखो, सपोज कभी डिजास्टर होता है तो बिजनेस में टेम्प्रेरी इंटरप्शन आएगा, तब उस फेज में मैं क्या करूंगा? अगर मेरे कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, मेरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं, तो जो एक्टिविटीज मैं मैनुअली कर सकता हूं वो मैनुअली परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा. दैट्स योर पॉइंट नंबर 1. देन पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? प्लान डेवलपमेंट में अगर मेरा प्लान है कि मैं मेरी ये साइट से किसी बैकअप साइट पर जाऊंगा और वो बैकअप साइट के लिए मेरे को एक थर्ड पार्टी साइट एग्रीमेंट करना रहेगा. सब समझाया, याद रखना, अगर किसी दूसरे की साइट को यूज करना है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट होगा, विच कैन बी अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट और थर्ड पार्टी साइट एग्रीमेंट. तो जो भी एग्रीमेंट कर रहा हूं, जो भी मेरे वेंडर्स है, उनके साथ में क्या करूंगा? नेगोशिएशंस करूंगा, सारी चीजें डिस्कस करूंगा. तो देखो क्या बोल रहा है, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशन. एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ऑफ रिकवरी टीम्स, देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज. जो भी टीम्स आने वाली है रिकवर करने के लिए, हार्डवेयर टीम, सॉफ्टवेयर टीम, रिकवरी टीम, डेटा रिकवरी टीम, नेटवर्क टीम, उन सब की रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, सारी चीजें क्या कर दूंगा? डिफाइन कर दूंगा. चलो एक बार मैंने प्लान डेवलप कर दिया, प्लान को क्या करूंगा? टेस्ट
करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, टेस्टिंग द प्लान, ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि मेरा प्लान बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। हर पॉसिबल सिनेरियो में मैं टेस्ट करूंगा, एक बार टेस्ट करता हूं लगता है नहीं प्लान बराबर नहीं चल रहा है, उसे अपग्रेड करने की जरूरत है, उसे चेंज करने की जरूरत है, तो मैं उसे मेंटेन करूंगा और मेंटेन करने के बाद वापस से टेस्ट करूंगा एंड इफ आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो वही चीजें आपको मिल रही है कहां पे, पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 8 में, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड इंप्लीमेंटेशन। आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर। एक बार सब फटाफट पढ़ लेना टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड इंप्लीमेंटेशन, और उसके साथ में क्या करेंगे अपन, ये फेजेस कंप्लीट करेंगे। मैं अगेन बता देता हूं, ऑटो के 8 फेज का नाम याद होना चाहिए, दो दो पॉइंट सबके लर्न कर लेना, क्योंकि 8 फेज अगर पूरे पूछते तो पूरा तो लिख के आओगे नहीं, सम की पॉइंट्स आपको जरूर लिख के आना, एक्सप्लेनिंग दैट फेज। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 6 मार्क के बनेंगे किस पे, BIA एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पे। तो इसके साथ आज के 2 key points अपन कंप्लीट करते हैं। पहला किया मेथडोलॉजी, दैट इज क्या स्टेप्स परफॉर्म करोगे और वो स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए गए फेजेस। तो फेजेस किन से डिराइव किए गए, मेथडोलॉजी से, ये जरूर याद रखना और अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। यस, तो चलिए ये रिवाइज कर लेगा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।